नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह, बी मैकेनिकल, एमई ऑटोमोबाइल, पीएचडी एंड पेटेंट एजेंट, इंडियन पेटेंट एजेंट, एंड माय इंडियन पेटेंट एजेंट नंबर इज 3339। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 58 के बारे में, जो है फ्रॉम द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन बिफोर अपेलेट बोर्ड और हाई कोर्ट, और साथ साथ में बात करेंगे सेक्शन नंबर 59 के बारे में भी, सप्लीमेंट्री प्रोविजन, उसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 58 के बारे में। तो सेक्शन नंबर 58 क्या कहता है, अगर कोई प्रोसीडिंग हो रही है फॉर रिवोकेशन बिफोर हाई कोर्ट, देखिए ये बात है ना सबसे बड़ी है, प्रोसीडिंग ऑफ रिवोकेशन बिफोर हाई कोर्ट, कोई एप्लीकेंट है, प्रोसीडिंग हो रही है रिवोकेशन की, रिवोकेशन यानी क्या, उस पेटेंट को खारिज करने की, उस पेटेंट को मिटा देने की, बिफोर हाई कोर्ट, तो जो हाई कोर्ट है, जो अपेलेट बोर्ड है, अब अपेलेट बोर्ड की जगह पर क्या बन चुका है फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स, आईपीडी, इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट इन हाई कोर्ट, ओके, आईपीडी सेक्शन बन चुका है हाई कोर्ट के अंदर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सपोर्ट कर रहा है इंस्टेड ऑफ अपेलेट बोर्ड, ओके, तो वो अलाउ कर सकता है, हाई कोर्ट भी अलाउ कर सकती है या फिर अपेलेट बोर्ड भी अलाउ कर सकता है एप्लीकेशन को फॉर द अमेंडमेंट पर्पस। यहां पर जो एप्लीकेंट है, प्रोसीडिंग जिस पे चल रही है, यानी जो एप्लीकेंट है, वो एप्लीकेंट नोटिस दे सकता है एप्लीकेशन की कि मेरे एप्लीकेशन पे रिवोकेशन चल रही है, किसको, कंट्रोलर को। क्यों ऐसा करेगा वो, क्योंकि कंट्रोलर भी उस फैसले के लिए, जो फैसला हाई कोर्ट या अपेलेट बोर्ड ले रही है, वहां पर रह पाए, कंट्रोलर कैन अपियर इन हियरिंग, उस पर बात कर पाए, या फिर ऑर्डर टू अपियर बाय हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट उसको बुला पाए और उसको पता हो कि क्या मैटर चल रहा है। अगर हाई कोर्ट एप्लीकेशन को अमेंड करने में राजी हो जाती है, तो सारी कॉपीज ऑर्डर्स की हाई कोर्ट किसको भेजेंगे, कंट्रोलर को भेजेंगे, और फिर कंट्रोलर उसका क्या करेंगे, कंट्रोलर उसका कोज एंड एंट्री रेफरेंस रजिस्टर में दाखिल करेंगे। तो यह है पूरी बात सेक्शन नंबर 58 में बताई गई। चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 59 के बारे में। सेक्शन नंबर 59 में सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है एज टू अमेंड ऑफ एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन। कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है एक्सेप्ट डिस्क्लेमर, करेक्शन और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, एक्सेप्ट इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्चुअल फैक्ट अगर डालने हैं तो हो सकता है, इन दोनों को छोड़ के अगर स्पेसिफिकेशन क्लेम समथिंग एल्स, इट मींस कोई ऐसा क्लेम डाल रहे हैं जो ऑलरेडी जो स्पेसिफिकेशन है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वहां पर अमेंडमेंट ऐसे क्लेम का नहीं हो सकता है। क्लेम अमेंडेड नॉट वोली विद इन द स्कोप, या फिर जो स्कोप है क्लेम का, क्लेम के अंदर हमने लिख दिया कि एक्स वाई जेड चीज को हम 10% से लेके 70% तक यूज करना चाहते हैं, बट कहीं पर भी एप्लीकेशन में ये नहीं लिखा है कि कितने परसेंट से कितने परसेंट तक यूज करना चाहिए, तो वो क्लेम हो जाता है खारिज, यानी ऐसा कोई क्लेम भी हम अंदर एड नहीं कर सकते। अगर अमेंडमेंट आफ्टर दी ग्रांट होता है तो उस केस में
अगर कंट्रोलर एक्सेप्ट कर ले या फिर आईपीडी एक्सेप्ट कर ले या फिर हाईकोर्ट एक्सेप्ट कर ले अमेंडमेंट को, तो उस केस में पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन अमेंड किया जा सकता है, उसको पब्लिश भी करना पड़ता है एज सून एज पॉसिबल, एंड पेटेंटी नॉट क्वेश्चन एक्सेप्ट फ्रॉड। अगर पेटेंटी ने कुछ भी फ्रॉड किया है तो उस मामले को छोड़ के पेटेंटी को अमेंडमेंट करने के लिए क्वेश्चन नहीं किया जाएगा बाय द कंट्रोलर, अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो। तो ये तीनों कंडीशन मेंशन की गई है सेक्शन नंबर 59 में, जो हमें देखनी चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। हैव अ नाइस डे।